दुनिया के अमेजिंग 10 फैक्ट्स के साथ आज का प्रोग्राम आपके सामने। मैं हूं नबील अंसारी, 4 स्टार कैफे में। मैं हूं मसूद अहमद राजपूत। मैं हूं अब्दुल मनान। मैं हूं यूसुफ बुखारी। पहला फैक्ट सुनिए और हैरान हो जाइए कि दुनिया में इस वक्त मैट्रिक्स सिस्टम हर तरफ राइज है, लेकिन नहीं चलता तो अमेरिका में नहीं चलता, नजारे क्यों? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है जी, द लॉन्गेस्ट प्लेस नेम ऑन द प्लेनेट इज 85 लेटर्स लॉन्ग। जी, 85 लेटर्स वाला एड्रेस है, यानी न्यूजीलैंड में। पढ़ सकते हैं यार, ये बहुत मुश्किल है। इससे पहले एक और जगह थी, लेकिन उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया न्यूजीलैंड वाली ने। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ये सुनो जरा, ये आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है जी। टाओ मा टा वा का टांग जी हांग गा काउ औ टा मा टे टाउ टू ट्यूरी प्यू का कापी का मौंग गा औ मौंग गा टू क्या पढ़ रहे हो? क्या है? मैं सुनवाता हूँ, सुने। हाँ, गूगल से। तवम तो अक्तिंग घंगा क्वावा वो तमती त्रेपत कपक मौंग अहुरोन कपू की वना कितना ताऊ। बड़े आराम से बोल गई है यार ये तो। इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी, सारी से कहते हैं एआई सिस्टम। सही है जी। जी, आपके पास कौन सा फैक्ट है जी? जी सर, मेरे पास है जी, 4 बेबीज आर बोर्न एवरी सेकंड। दुनिया में हर सेकंड में 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं। वाओ जी। इसके बाद है जी, द कोल्डेस्ट टेंपरेचर एवर रिकॉर्ड वाज -144 डिग्री फारेनहाइट। जी, ये तकरीबन -97 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है। ये देखें, एंटार्क्टिका में है और यहाँ पर ये पौधे जो हैं वो बिल्कुल क्रिस्प होकर टूट गए, और कहते हैं कि यहाँ पे आप 3 सांसें अगर ले लें तो आपकी डेथ हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, तीसरी सांस पर आपकी डेथ हो जाएगी, थर्ड इनहेलिंग पर। सारा कुछ फ्रीज हो जाएगा ना? लंग्स आपके फ्रीज हो जाएंगे और वो अकड़ जाएंगे और वो हाँ नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल ऐसे पापड़ की तरह कर्च पर्च हो जाएंगे। आप खुद हो जाएंगे सांस लेने को अंजाय बाहर। ये एक और अमेजिंग फैक्ट है जनाब, कि अर्थ ओजोन लेयर जो है वो 50 साल में रिकवरी उसकी होगी, जितनी मुकम्मल तौर पर उसकी वरना निकाल चुके हैं। जी हाँ। उसके बाद है जी, जापान इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट अर्थक्वेक कंट्री। अच्छा, ये जापान में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। हाँ, ईरान में भी आते हैं, तुर्की में भी आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो जापान में आते हैं। अगला फैक्ट है जी, देयर आर अराउंड 4 क्रुडिलियन बैक्टीरिया। क्रुडिलियन और पढ़ा भी नहीं जाता कि इतने ज़्यादा बैक्टीरिया है अर्थ के ऊपर जी। हरी बात। और इसके बाद जो फैक्ट है, पीपल हु आर करंटली अलाइव रिप्रेजेंट अबाउट 7% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु हैव एवर लिव्ड। पूरी इंसानी जिंदगी में आज तक जितने लोग थे, आज जितने लोग मौजूद हैं, ये 6.5 बिलियन के आसपास लोग, ये 7% बनते हैं। ये पूरी इन नस्ल इंसानी का 7% है। यानी इनसे अगर इन लोगों को निकाल दें तो गुज़िश्ता तमाम उसमें 93% ऑफ 6.5 बिलियन लोग थे आज तक। अगला फैक्ट है जी, मोहम्मद इज मोस्ट पॉपुलर नेम इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलर नेम इन द वर्ल्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें देखिए, जॉन भी था, जेम्स भी था, मैरी भी था और जेन भी था, लेकिन सबसे ज्यादा जो नाम रखा जाता है वो मोहम्मद रखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात। इसके बाद है जी, ओनली 2 कंट्रीज यूज पर्पल इन देयर नेशनल फ्लैग। जी, एक है निकारागुआ और एक है डोमिनिका। नाम भी वैसे क्या मतलब है, नाम भी वैसे। चले जी, इन फैक्ट्स के साथ इजाजत चाहते हैं, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।